रुपयों की लागत से बना ट्रामा सेंटर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकार्पण के बाद भी शुरू नहीं हो पाया। आपको बता दें, ट्रामा सेंटर के निर्माण को लेकर 2002 में स्वीकृति मिली थी, जिसके बाद 5 लाख स्क्वायर फीट में 4,92,00,000 रुपए में ट्रामा सेंटर का निर्माण किया गया था। निर्माण को पूरा हुए 1 साल बीत चुका है और ट्रामा सेंटर में ताला लटका हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत करने वाली बात यह है कि खुद सीएम इसका उद्घाटन कर चुके हैं, बावजूद इसके लोगों को ट्रामा सेंटर की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है, यहाँ स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है। वहीं विधायक दिलीप सिंह परिहार का कहना है, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह से इस संबंध में मुलाकात की, जल्द ही ट्रामा सेंटर शुरू हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह झूठी वाहवाही लेने का काम करते हैं, उन्होंने नीमच से भी यही किया है। ट्रामा सेंटर जो जनता के पैसों से बना है, बनकर 2 साल से तैयार खड़ा है। झूठी वाहवाही लेने के लिए उन्हें 1 महीने पहले वो आके से लोकार्पण कर गए, लेकिन सबसे बड़ी बात, ना तो डॉक्टर है और न ही कोई स्टाफ है, न कोई मशीनरी है। आज भी 1 महीने के बाद आप देख रहे हैं ट्रामा सेंटर पे ताले पड़े हुए हैं। और वर्तमान में जब हमने कलेक्टर से और अधिकारी से पूछे चालू होने का, क्या कब तक चालू करेंगे, आज भी उनके पास कोई इस चीज़ का जवाब नहीं है। ट्रामा सेंटर मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने नीमच को दिया है। जब बिल्डिंग बनाई हमने तो लोग कह रहे थे कि बिल्डिंग अधूरी है, उसके लिए उन्होंने पैसा दिया। अभी जब बिल्डिंग पूरी हो गई तो लोग कह रहे थे लोकार्पण नहीं हो रहा है। अभी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, अब हमने लोकार्पण भी उनका कुमार सिंह शिवाजी के नाम से करा दिया। अभी हमने माननीय गौरी सिंह जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह जी से बात की थी, और उन्होंने कहा है कि हम इक्विपमेंट के लिए अभी पैसे भेज दिए, पद स्वीकृत कर रहे हैं। जैसे ही पद स्वीकृत हो गए, अगर जैसे ही डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाएगी, हम ट्रामा सेंटर की सौगात जनता के लिए समर्पित।